की मार के चलते परेशान जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। बढ़ती महंगाई जनता के लिए भारी मुसीबत साबित हो रही है। इसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सवालाखे इनके मार्गदर्शन तथा नुसरत अली इनके नेतृत्व में नागपुर स्थित गांधी पुतला वैरायटी चौक में सिलेंडर की शोक सभा आंदोलन कर विरोध दर्शाया गया। आज गरीब विरोधी जुल्मी मोदी सरकार ने फिर एक बार अपने नाकामयाबी का सबूत दे दिया है। जीवन में लगने वाले घरेलू गैस का दाम फिर एक बार 50 रुपए से अधिक बढ़ाए गए हैं। पिछले एक साल में 218 रुपए गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाकर केंद्र की जुल्मी मोदी सरकार अपनी तिजोरी भर अडानी अंबानी के कर्ज को माफ करने में लगी है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके विरोध में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसूजा इनके आदेश में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सवालाखे इनके मार्गदर्शन तथा नुसरत अली इनके नेतृत्व में नागपुर स्थित गांधी पुतला वैरायटी चौक में सिलेंडर की शोक सभा आंदोलन कर विरोध किया गया। कुछ ऐसा हो रहा है, हर सुबह महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार ये आगे देखो, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मतलब हर दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। कल अचानक टीवी पर आ गया कि कल सुबह से 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ जाएंगे। वो काले अंग्रेज मतलब हो गए ना, ये एक गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, तानाशाही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश की आर्थिक स्थिति कुछ भी समझ में आती नहीं है, इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है, इसीलिए किसी भी पल आ करके एक न्यूज़ चैनल वाले डाल देते हैं कल से सिलेंडर 50 रुपये महंगा। जुलाई पिछले साल जुलाई से लेकर के अभी तक 218 रुपये सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए। आज ये महिलाएं बारिश नहीं देखी, आंधी नहीं देखा, तूफान नहीं देखा, सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि ये देश के हित में खड़े हुए हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये इस देश की आवाज है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तो आवाजें सुनाई नहीं दे सकती, उनको सिर्फ उद्योगपति करोड़पति अंबानी अडानी विजय माल्या जैसे लोगों की आवाज सुनाई दे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, नरेंद्र मोदी जी 2024 में अगर आपको इस गद्दी से कोई निकाल कर खींच के नीचे उतार देगा, वो देश की महिला है। महिला।